मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को उन्हीं की चार पंक्तियों से आवाज दे रहा हूं। उनका एकल काव्य पाठ अब तन्मयता के साथ सुनिए, दत्तचित्त होकर सुनिए और आनंदित होइए। उनकी चार पंक्तियां जो मेरे, बल्कि छह पंक्तियां हैं एक गजल की, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उनकी इस खास गजल ने मुझे बहुत आकर्षित किया, बहुत प्रभावित किया। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, मेरे ख्याल से आप सभी ने सुनी होंगी कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। और इसमें जो बड़ा खूबसूरत शेर है रूमान का, बड़ा प्यारा शेर है कि अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, वो खत जो तुम्हें दे ना सके लिख लिखा लिए। अब आप और महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन, मैं आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने रचना पाठ से हम सबको आनंदित करें। मैं जैसे कह रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है किसी व्यक्ति का जो सम्मान इतना ज़्यादा जितना आपने किया और वो कुछ बोल सके, बोल ही नहीं सकता, एक प्रकार से मौन हो जाता है वो। लेकिन क्या करें, मौन को मुखरित भी करना होता है कि मौन तो कविता के भीतर आदमी के दिल में बैठा रहता है हर कवि के, लेकिन शब्द जब बाहर आते हैं तो मौन मुखर होता है और तभी वो कविता बन पाता है, वो आप तक पहुंच पाता है। हम जो वाचिक परंपरा के लोग हैं, जो कि खासतौर से मंच से कविताएं सुनाते हैं, तो वाचिक परंपरा है, हम होठों से कविता सुनाते हैं, कंठ से कविता सुनाते हैं, आपके कानों तक से द्वारा फिर मन में प्रवेश करती है और फिर आप भी कविताएं सुनाने लग जाते हैं। तो होठों से होठों तक पहुँचने वाली कविताएँ जो हैं वाचिक परंपरा की हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ही। तो इसलिए मेरी एक एक धड़कन को आप समझ लीजिएगा और आप जरूर जरूर समझ लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि कवि जो कविता सुनाता है उसके सामने जो बैठे हुए लोग होते हैं वो भी कवि ही होते हैं। हमारे साहित्य में एक क्रोचे नाम के बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हुए, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कवि होता है, हर व्यक्ति को उन्होंने कवि बताया। ये बात अलग रही कि दूसरा कोई व्यक्ति शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है, उसे उन्होंने अभिव्यंजना का नाम दिया था कि भीतर भीतर अभिव्यंजित होती है कविता, भीतर भीतर तैरती है, भीतर भीतर जो है छटपटाती है कि मुझे बाहर शब्दों के माध्यम से लाया जाए। तो ऐसी आप सबके भीतर भी कविताएँ बैठी हुई हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा शब्द के माध्यम से बाहर ले आए, आप नहीं ले पा कुछ नहीं ला पा रहे होंगे भाई, अलग बात रही, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कवि बैठा हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। और जब हमारे कवि का एक पहचान आपके भीतर बैठे हुए कवि से हो जाती है, तभी आप ताली बजाते हैं, स्नेह करते हैं और जो है कविता को पसंद करते हैं। तो उस कवि तक पहुंचने की हमारी लालसा रहती है जो आपके आपके भीतर बैठा हुआ है। मैं जैसे बता दूं, हमारे रवि जी, जब मैं जो जहाना पहुंचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन यहाँ बात यह है, यहाँ उल्टी बात है, जहाँ पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो रवि जी जरूर पहुँचते हैं। तो जब मैं नवी कक्षा में का छात्र था, तो सबसे पहली बार मैं वो कविता सुना रहा हूँ आपको, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मेरी कविता की यात्रा भी आपको पता चल जाएगी। 1955 की बात है, यानी मेरे बचपन की बात, जब मैं नवी कक्षा का छात्र था, तो उस समय मैं कॉलेज की मैगजीन के लिए, जो हमारे क्लास टीचर थे पंडित महेश्वर दयाल शर्मा जी, उन्होंने कहा भाई कविताएं ले आओ मैगजीन के लिए, जिसके पास कविताएं हो। तो हम नए नए गए थे उसमें, आठवां हमने मिडिल की थे, मिडिल स्कूल पास करने के बाद नवीं कक्षा में दूसरे स्कूल में नए नए गए थे वहाँ पर, तो हमें टीचर पहचानते भी नहीं थे। तो हम भी एक कविता ले गए, कविता ले गए, तो हमने उस कविता को वहाँ पर उन्हें दिया, तो उन्होंने बैठे हुए थे, अच्छा ज़माने में पिटाई विटाई भी अच्छी हुआ करती थी, उनके पास में एक रखा रहता था मेज पर, जहाँ उनका रजिस्टर होता था वहाँ पर उनका एक रखा रहता था, और हमारा ध्यान उनके रजिस्टर से ज़्यादा उस पर ज़्यादा होता था कि पता नहीं कब चल पड़े। तो जब हम ले गए तो उन्होंने हमारी कविता को देखा, देखने के बाद उन्होंने बहुत
गंभीरता से कविता को देखा, फिर गंभीर होकर हमारी तरफ देखा और बोले कहाँ से बड़ा लाए महाराज। अच्छा होता ही ऐसा है कि जब नवीं कक्षा का विद्यार्थी क्या लिख पाएगा भला, तो सामान्यतः ये सोचते हैं कि भाई किसी पिताजी ने लिख के दे दी होगी, किसी और ने लिख के दे दी होगी, एक आसपास किसी व्यक्ति ने लिख के दे दी होगी। तो उनका शक मुझ पर इस बात पर गया। हम बड़े संकोची बालक थे, आप सभी जानते हैं पुराने समय बहुत संकोच में हम लोग रहा करते थे। आज जैसे तो बोलने वाले विद्यार्थी तो थे नहीं, संकोच में खड़े रहे। उन्होंने हमें डांट भी लगा दी और हम ये नहीं कह पाए बहुत देर तक कि कविता हमने ही लिखी है। लेकिन जब लग उन्होंने खूब डांटा तो हमने कहा सर गुरु जी बोलते थे हम ज़माने में, तो गुरु जी की कविता तो हमने ही लिखी है। बोले अच्छा तुमने लिखी है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने लिखी है तो प्रमाण दो, जाओ क्लास से बाहर जाओ और तुलसीदास में कविता लिख करके लाओ। अब मेरे लिए बड़ी समस्या थी। बहरहाल मैं पहले वो कविता सुना दूँ आपको जो मैंने उस समय लिखी थी। दो तीन लाइनें हैं उस समय, मुझे पूरी कविता तो याद नहीं है, लेकिन मैं दो तीन पंक्तियाँ उसकी सुनाता हूँ जो कि उन्होंने कहा था। तो ये था ये कविता, ये थी जब मैंने कहा सबसे पहले जो फूल पुष्प जो हैं इससे ही कविता का प्रारंभ हुआ। तो कविता थी कि ए सुंदर फूलों की सुंदर आशाओं, 1955 में नवीं कक्षा के छात्र ये कविता लिख के गया है। ए सुंदर फूलों की सुंदर आशाओं, हो सके अगर तो मुझको ये बतलाओ, तुम में ये मादक गंध कहाँ से आई, रंगों ने तुम में कैसे ली अंगड़ाई, क्यों बजा रहे भंवरे प्रतिपल शहनाई, मैं सोया हूँ तुम मुझको अभी जगाओ, ए सुंदर फूलों की सुंदर आशाओं। मुझे खुद भी आश्चर्य होता मैं कैसे लिख गया, तो कक्षा अध्यापक तो आश्चर्य होना ही था। इसलिए उन्होंने सोचा ये कहीं से लेके आया और उन्होंने मुझे जो है कक्षा से बाहर कर दिया तुलसीदास की कविता लिखने के लिए। सच मानिए सर, मैं जब क्लास से बाहर गया और फील्ड में बैठा रहा बहुत देर तक, एक घंटा हो भी गया, मैं कुछ नहीं लिख पाया, एक पंक्ति भी नहीं लिख पाया, एक शब्द नहीं कह पाया। भैया बच्चा जो क्या करता है, जो उसे कुछ नहीं मिलता तो रो पड़ता है। तो मैं भी रोता हुआ कक्षा में गया, मैंने गुरु जी ऐसा है ये कभी विद्या रानी की कसम ही कविता तो मैंने लिखी है, लेकिन तुलसीदास में कविता मुझ पर नहीं लिखी जा रही, ये मुझ पर नहीं लिखी जा रही। बोले तो उन्हें लगा कि मैं रो भी रहा हूँ, विद्या रानी की कसम भी खा रहा हूँ, तो उन्हें लगा कि लड़का कुछ लग तो रहा है ठीक ठाक, लेकिन ये लिख नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजिस्टर खोला अपना और रजिस्टर खोल कर उसमें एक कागज़ रखा हुआ था, वो कागज़ मुझे दिया। बोले जाओ इस कागज़ पर लिख के लाओ, लिख लाओ। उन्हें मुझे दोबारा भेज दिया, मैं दोबारा फील्ड में चला गया और फील्ड में जाने के बाद मैं सोचने लगा कि कैसे लिखूं कविता। उन दोनों तुलसीदास की जीवनी वगैरह याद कर रहा था, नवीं कक्षा में होते हैं तुलसी जीवनी वगैरह आया करती हैं, तो कुछ शुरू की पंक्तियां याद थी। अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ आपको, उससे पहले मेरे एक दोस्त था उसका नाम था चंद्रभान, सातवीं आठवीं कक्षा की बात है, चंद्रभान, और कविता के कुछ अंकुश तंतु जो हैं भीतर भीतर आ गए थे। तो हमारा एक और दोस्त था उसका नाम था विजेंद्र, तो विजेंद्र हम और चंद्रभान का नाम लेकर के तुकांत मिलाया करते थे। तो चंद्रभान खुद भी खुश होता था, खुद भी तुकांत मिलाता था, काफ़ी मिलाता था। तो उन्होंने कहा चंद्रभान, तो दूसरे का पानदान, उन्होंने कहा खानदान, उन्होंने कहा मसालदान, ऐसे तरह के बिल्कुल तुकांत मिलाने आ गए थे। और वो खुद भी मिलाता था, बड़े भाई कुमार वो तो छूट ही गया, थूकदान टीकदान, मतलब वो खुद भी मजे लेता था। तो उसने हमारे तुकांत मिलाना हम पे आ गया था। तो हम ये तुलसीदास की कविता सुना लिखने में एक बड़ा काम आया, चंद्रभान हमारे कड़े काम आए। हमने सोचा तुलसी पे तुकांत मिलना चाहिए, सीधा सीधा तुकांत था, उनकी माता जी का नाम तुलसी था, तो तुलसी का तुकांत मिल गया, काफिया मिल गया। तो हमने जो उस समय बैठे बैठे गा लेते थे, उस समय अच्छा खासा, तो हमने पंक्तियाँ गाई अकेले बैठे बैठे। संबत 1554 में उत्पन्न हुए थे तुम तुलसी, श्री आत्मा राम थे पिता तुम्हारे, माता का नाम था होलसी। और जैसे होलसी नाम है तो होना पड़े, हम तो हमने हाँ कविता तो हो ही गई, अब गगरी जी को कम से कम इतना बताई सकें कविता हमने लिखी है। और हम जो वहाँ पहुँच गए सब, थोड़े और जोड़े गाठ करनी थी थोड़ी, गुरु जी के पास पहुँचे अंदर, अब हम थोड़े रोते हुए नहीं गए, थोड़े मुस्कुराते हुए गए, हंसते हुए गए, पूरा आत्मविश्वास के साथ गए। बोले लिख लाए, मैंने हाँ सर लिख लाए। बोले सुनाओ, अब इतने शाही स्टूडेंट हम थे कि बिल्कुल भी बाथरूम सिंगर तो थे, अकेले गा सकते थे नहीं, किसी के सामने गाना बड़ा मुश्किल काम था, क्लास के सामने उन्होंने कह दिया गाओ। तो हमने साहब वो कविता गुरुजी के सामने पूरी कक्षा में डर के मारे, उनके डंडा जो रखा हुआ था डर के मारे हमने कविता सुना दी।
बोले अच्छा बच्चों ऐसा करना, कल तुलसी जयंती का फंक्शन है, पूरे स्कूल के सामने सुनानी है ये कविता। अब हम घबरा गए और ज़्यादा, हमने क्या करेंगे। खैर लंबी कहानी है, पर हाल वो मैं अगले दिन फंक्शन में बहुत ही कोशिश करी कि मैं बच जाऊँ, बच नहीं पाया। अपने दोस्त को तैयार करा, सारी योजना बेकार हो गई, क्योंकि जब वो हमें देर हो गई थी वहाँ पहुँचने में, और हमारे गुरु जी जो हैं वो माइक पर बातचीत कर रहे थे, मतलब संचालन कर रहे थे, और उससे पहले जैसे हमने कदम रखा है कमरे में, वैसे ही एक लड़का था जो तुलसीदास पर भाषण कर रहा था, उसका भाषण समाप्त हुआ, मेरे कदम जो है सभागार में आए, उन्होंने मुझे देखा, तुरंत बोले कि मेरा नाम कुंवर बहादुर था, उस समय कुंवर बेचैन नहीं था। तो बोले कुंवर बहादुर कविता सुनाएंगे। मैं सीधा सीधा सा मंच पर चला गया, और डर के मारे हालत खराब ये था, मैंने इसलिए मंगाया ये थोड़ा बहुत मैंने याद रह जा पुरानी ये भी था, तो मैं जो उसके पीछे यूँ आ गया और मैंने कविता सुनानी शुरू कर दी। पाँव कांप रहे थे, धन्यवाद उसका कि मेरे पाँव कांपते हुए दिखाई नहीं दिए लोगों को। तो वो जो पाँव कांप रहे थे, आवाज़ भी कांप रही थी डर के मारे, आवाज़ भी कांप रही थी। खैर वो मैंने उनके तुलसीदास में कविता सुनाई और मुझे प्रथम पुरस्कार उसमें मिला। तो ये पहली कहानी, पहली बात, पहली कविता, एक प्रकार से वहाँ से मेरी कविता की यात्रा शुरू हुई, और उन्होंने जो होते स्नेह मुझे दिया, और मैंने उनसे कहा भी, गुरु जी मेरे तो बड़े पाँव कांप रहे थे, तो बोले बेटा पाँव जब कांपते हैं तो इस बात का संकेत होती है कि पाँव आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी मेरी तो आवाज़ भी कांप रही थी बहुत ज़्यादा। बोले बेटा तुझे पता नहीं, जब आवाज़ कांपती है ना उसमें बड़ा कंपन आता है, तो बड़ी मेलोडी रह जाती है, उसमें बड़ी मेलोडी थी तेरे सुनाने में, तो वो कांपना भी काम आ गया। ये नेगेटिव बातें जो होती हैं, मैंने वहाँ से पॉजिटिव के रूप में देखा कि जिनको हम नेगेटिव कहते हैं वो पॉजिटिव कैसे हो जाती हैं, पाँव का कांपना कैसे आगे बढ़ जाता है, आवाज़ का कांपना कैसे मेलोडी ले आता है। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे क्षण आते होंगे जिनमें कि हम कांप जाते होंगे। मैंने तो ज़िंदगी के अंदर भी जो समस्याएं आती हैं ना, वो जो कंपाती हैं दिल को, कंपा देने वाली घटनाएं होती हैं, मैं उनमें भी संगीत ढूंढ लेता हूँ, मैं उनमें भी सोचता हूँ दिल के तार जो बज उठे हैं, इनमें से भी कोई संगीत छिड़ा जाए, इनमें से कोई नई बात कही जाए। बहरहाल चलिए, बीच बीच में बातें आती रहेंगी, बताता रहूँगा, लेकिन आपका मन कविता सुनने के लिए भी कर रहा होगा, तो मैं कविता की तरफ भी मुड़ता हूँ। बात यहाँ से शुरू करता हूँ, जो मैं इन दिनों सुना रहा हूँ वहाँ से फिर पीछे पहुँचूँगा। इन दिनों मैं चार पंक्तियाँ अक्सर सुनाया करता हूँ कवि सम्मेलन के शुरू होने में, जब मेरा नंबर आता है, क्योंकि मेरी धारणा जो है वो इसमें शायद ज़्यादा दिखाई देगी आपको। कहता हूँ सर आपका सबका स्नेह मिल जाए एक बार और। कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। जिंदगी में कविता का काम भी और जिंदगी का काम भी, दोनों का ये है कि हम एकता के सूत्र बांधें, हम जो ऐसी बात ना करें कोई जिसमें कि विघटन पैदा हो, बल्कि हम सबको विघटित लोगों को संगठित कर सकें, ये मेरी भावना हमेशा रही है। तो मैंने कहा कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने थोड़ा माहौल कवि सम्मेलन जैसे दे दीजिएगा, तो जिससे मैं उत्साहित होकर सुन रहा हूँ। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह, थोड़ा मतलब मैं गंभीरता से बाहर आना चाहता हूँ, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। और मैं हमेशा कर्मठता को बहुत महत्व देता हूँ, भाग्य और कर्म में दोनों में अगर कोई द्वंद्व चलता रहा हमेशा, तो मैं मानता हूँ कि भाग्य से बड़ा कर्म है, माना भाग्य का भी रोल है लेकिन कर्म जो है बड़ी चीज़ है। उसको मैंने इस रूप में कहा, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। परमात्मा ने हमारी उंगलियां आगे बनाई, और हथेली की लकीरें पीछे पीछे चलती हैं, भाग्य हमारा पीछे पीछे चलता है, कर्मठता कहीं आगे होती है। तो ये पंक्तियाँ यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य ये ही, ये चार पंक्तियाँ ऐसी हैं जो मैंने ज़िंदगी का अपना उद्देश्य मान लिया है। और अगर ये लगता है कि कर्मठता अच्छी है, हम अच्छे कर्म की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने ये भी कहा कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, आपके मन में चाह जगी तो आपने किया,
किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, और दूसरी पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहूँगा, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। तो हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊँचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊँचा है, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। हमारे सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब भी मौजूद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी प्रस्तुति यहाँ पर। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लूँ तो बाहें पहले आती हैं, और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊँचा है, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और अगर राह ठीक हो तो मैं ये भी कहता हूँ कि अपने आँचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आँचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।